नमस्कार, मैं निधि, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। खबर है यूपी के फतेहपुर से, जहां पर छुट्टी पे आए पीएससी जवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या करने से पहले 3 पेज का सुसाइड नोट लिखकर फेसबुक पर वायरल कर दिया, जिसमें जवान ने अपनी मौत की जिम्मेदार पत्नी और ससुराल वालों को बताया। आइए हम सीधे लेकर चलते हैं, हमारे संवाददाता ने उनके परिवार वालों से बात की, देखिए प्रशासन ने इस घटना पर क्या कुछ कहा। आप छोटे भाई थे ना? बड़े बड़े थे, हमसे छोटे हैं। एक मिनट रुके, फ्लाइट मोड डालेंगे भैया, चल लो। बिल्कुल जरूरी है भैया, चल लो जी भैया, लगाओ। ठीक है, आपके भाई पीएससी में तैनात थे, घर आए थे और फांसी लगा के आत्महत्या, क्या मामला गया है? 4 दिन की छुट्टी लेके आए थे, बोले कि मैं जा रहा हूँ ये मलकिन के ले आना, संदेश आया है कि मैं लेवा जाओ, इतनी बात हमने सुना। इसके बाद मंगर गया है, शाम में 7:30 बगुआ उतरे, 8 बजे घर पहुँच गए। इसके बाद बुधवार को हमने जो है बहन ससुराल हम पे जाना है, ललौली थाना तक छोड़ आओ, ललौली थाना छोड़े गए। कल जो है 11:30-12 के बीच में घर आ गए। क्या हुआ, ये कह रहे थे कि मैं बर्बाद कर दूँगा, इनके पिताजी बोल रहे थे, लड़की बोल रही है कि तुम मर जाओ, बूढ़े हो गए हो, मेरे भाई के बोल रहे थे, जो लिखा है कागज़ में हम वही बोल रहे हैं। क्या कारण था, कब से रिश्ते इनके ऐसे चल रहे थे? ये रिश्ते चल रहे हैं सर, जो रक्षाबंधन होता है तब से ज़्यादा चल रहा है। शादी कब हुई थी इनकी? शादी हुई थी 18 जनवरी को। शादी जब हुई है उससे पहले इनकी नौकरी लग चुकी थी? इनकी नौकरी लग गई 4-5 साल हो गए, 5 साल हो गए, 19 में लगी थी। तो क्या लड़की जो पत्नी की थी, क्या आपने मायके में रहती थी? मायके में पहले यहाँ रही है, मतलब पहले बोला था। अचानक अच्छा पता दिया गया गायन, तो हमारे कुछ जंगली बूटी थी जो बहुत कीमती मानी जाती। जंगली बूटी मतलब? मतलब एक होती है ये दौरा के लिए, अच्छा दवा कोई है? हाँ दवा जी। तो उसको आप 1 लाख रुपये देंगे तो एक खुराक आपको नहीं मिलेगा, तो हमारे पास थी, हमने पाए थे, वह हम तो सोचे दौड़ा है तो एक खुराक खिला दे। तो उनके पिताजी बोले कि तुम क्या खिला दे, हमसे सलाह लेके क्यों ना खिला। तो हमारा भाई को कुछ क्या कहा है ये नहीं पता हमको, खूब क्रोधी था। तो हमने सोचा कि भैया ये रक्षाबंधन की बात है, ये रक्षाबंधन की पहले की बात जी, पहले की बात अपन, मतलब ये विवाद यहाँ शुरू हुआ था, यहाँ से शुरू हुआ। तो वो बताओ पैसे लिए हैं, अब बता नहीं रहे कि हमारे पास पैसा है कि नहीं है। तो हम कान हमने जो है छोटे वाले लिए हैं पास में, कि पिताजी पहुंच गए। तो झाड़ फूंक हमने करा अपने गांव में, तो एक शब्द बिटिया से निकला कि मैं आग लगवा दूंगा। सब लोग उनके चाचा पीती सब थे, अपने चाचा तक का हड़क दिया था कि मैं बर्बाद कर दूंगा, उसको मारने में लगे। और मोबाइल में जो है सबके मतलब नवरात्र के पहले रक्षाबंधन के पहले के कितने भीड़ हैं, मौके में है नहीं हूँ, बाहर हैं, आ रहे हैं, मतलब कल तक शुक्रिया। नहीं तो विवाद का मुख्य कारण क्या था दोनों के बीच? विवाद तनख्वाह से, जो सैलरी इनकी मिलती थी, सैलरी जो कोई पा रहा है 10,000, कोई पा रहा है 90,000 जी, तो उसकी वैल्यू नहीं हमारे भाई। मतलब क्या उनकी पत्नी भी कहीं जॉब कर रही थी? कहीं नहीं। तो फिर सैलरी का क्या मतलब है यहाँ? अब कैसे यह ओपन हुआ ये नहीं बता सकते। तो क्या भाई आपका अपनी पत्नी का पढ़ाई भी करा रहा था क्या किसी चीज़? नाम लिखवाया था, पढ़वा रहे थे, तो बोले कि हाँ तुम्हारी सैलरी नहीं है, हमारे तुम टक्कर की नहीं हो, इतने तो हम जो है शॉपिंग में खर्चा कर देते हैं जितनी तुम्हारी तनख्वाह है। क्या करते हैं उनके पिता वगैरह? मास्टर हैं सर। दिनांक 8/12/2023 को ग्राम समाधपुर थाना ललौली जनपद फतेहपुर निवासी श्री बीरेन पुत्र चंद्रपाल ने थाना ललौली पर सूचना दिया कि उनके छोटे भाई निरंजू जो 4th बटालियन पीएसी धूमनगंज प्रयागराज में आरक्षी के पद पर नियुक्त थे, अवकाश लेकर गांव आए हुए थे, घर के पास बने जानवरों के बाड़े में फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया है। सूचना पर थाना स्थानीय द्वारा पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम की कार्रवाई एवं जांच करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। जिले में छुट्टी पर आए पीएससी के जवान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मरने से पहले जवान ने 3 पेज का सुसाइड नोट लिखकर फेसबुक पर वायरल कर दिया, जिसमें
जवान ने अपनी मौत का जिम्मेदार पत्नी और ससुराली जनों को बताया है। सूचना पर पहुंची पुलिस शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए इस मामले में जांच में जुटी है। वहीं सीओ परशुराम त्रिपाठी ने भी मामले की जांच के आदेश दिए हैं। फतेहपुर जनपद से पब्लिक लाइव न्यूज़ रिजवानुद्दीन की रिपोर्ट।